और अगली खबर कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। कश्मीर में 6 चीनी हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं। जी हां, हैंड ग्रेनेड्स 6 जिनकी संख्या में बरामद किए गए, और ये चीनी हैंड ग्रेनेड से सुरक्षा बलों ने सैंड बैग से बरामद ये हैंड ग्रेनेड किए हैं। बताया जा रहा है कि हाईवे पर डिवाइडर के पास में ये सैंड बैग रख दिया गया था और जिसके अंदर हैंड ग्रेनेड थे, चीनी हैंड ग्रेनेड। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाते हुए इसे निष्क्रिय किया, इसे नाकाम किया। सोहेल सोरेन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े। सोहेल, क्या जानकारी है? देखिए, रोड ओपनिंग पार्टी का हमेशा ये काम रहता है कि सुबह टाइम पर वो पूरे नेशनल हाईवे कुछ इमरजेंसी किसी भी तरह का कोई ग्रेनेड, कोई असला या बारूद नेशनल हाईवे पर ना हो जिससे कोई भी दिक्कत सिक्योरिटी फोर्सेज की हो सकती है। तो आज सुबह यही रोड ओपनिंग पार्टी रूटीन चेक पे थी, उनको एक रोड डिवाइडर पर एक सैंड बैग मिला। सैंड बैग को चेक किया गया जिसके अंदर 6 चाइनीज हैंड ग्रेनेड्स थे। हालांकि उनको जम्मू कश्मीर पुलिस को दिया गया ताकि वो उसको डिस्पोज कर पाए। हालांकि सीआरपीएफ चाहती थी कहीं ना कहीं को डिस्पोज करे, लेकिन नेशनल हाईवे पे गाड़ियों का रश और लोगों का रश देखते हुए 6 चाइनीज ग्रेनेड्स जम्मू कश्मीर को हैंड किए गए। अब ये ग्रेनेड्स जो थे ये बिल्कुल पुलिस पब्लिक स्कूल के सामने रोड डिवाइडर पे पड़े हुए थे और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने इसको एक इन तमाम चाइनीज हैंड ग्रेनेड्स को डिवाइडर पर रखा हुआ था। दरअसल उनका कोशिश रहती कि वो कभी भी आके जो है इन ग्रेनेड्स को सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर रखे या ठीक है। सोहेल, तो सोहेल बता रहे हैं कि हाईवे पर डिवाइडर पर ये सैंड बैग में जो चीनी हैंड ग्रेनेड्स हैं वो रख दिए गए थे और ये आतंकियों की तरफ से एक बड़ी साजिश को अंजाम देना था। आप सोचिए ये हैंड ग्रेनेड यहाँ पर कितनी बड़ी तबाही मचा सकते थे, लेकिन यहाँ सुरक्षा बलों ने इस स्थिति को देखा, समझा और उसके बाद में अब उसे निष्क्रिय किया जा रहा है, डिस्पोज किया जा रहा है। लेकिन 6 चीनी हैंड ग्रेनेड यहां से बरामद किए गए हैं, यानी कि आप सोचिए जरा किस तरह की वारदात को अंजाम देने की गंभीर साजिश ये थी।